तुम्हारा केक। पहले ये बता मैं क्या करूँ। हेलो, तो सुन रही है ना? अंदर ले आओ। अच्छा ठीक है, लगता है घर पे अकेली है। आगे अंदर। अब सबसे पहले थोड़ा कूल डाउन हो जाओ और उसे टेबल पर रखो। रखो ना यार। हाँ, रख दिया। अब क्या करना है? अब जल्दी जल्दी कपड़े उतारो। ओके ओके। अरे टी शर्ट उतारो। टी-शर्ट उतार दी। ओके, अब पैंट की बारी। वस्त्रहरण। अब इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? बिना पैंट उतारे कैसे होगा? अच्छा बताओ अब कैसा लग रहा है? थोड़ा टेंशन हो रहा है मुझे। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए टेंशन होना नेचुरल है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। मुझे एक्सपीरियंस है। ओके, अब पीछे से पिंच करो। क्या, ये तो क्या बोल रही है? अरे पिंच करने से ही अच्छा लगेगा। अरे कर। अरे कर ना। अरे मैं कह रही हूँ पिंच कर, कर ना। दिमाग नहीं है क्या? एक लड़की के घर आकर कोई ऐसी हरकत करता है? तुमने तो कहा ना कपड़े उतारो। ओफो, तुमसे नहीं फ्रेंड से बात कर रही थी ब्लूटूथ पर। सुनो शैलजा, पॉइंट ये है कि सॉरी, देखो पहले हम ट्रेन में मिले थे, फिर चेन के लिए मिले, और अब केक के लिए। सच्चे प्यार का यही तो सिग्नल है, इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं ना। देखो ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं है, मैं ये शहर छोड़ रही हूँ। लाइफ लॉन्ग दोबारा मिलने का चांस ही नहीं है। लेकिन शैलजा, डू नॉट डिस्टर्ब मी। अरे सिद्धार्थ मेरी बात तो सुन, तू उससे इतना प्यार करता है, उसने तुझे एक बार मना किया और तू जा रहा है? उसे मनाने की कोशिश करो ना। मैंने उसके लिए बहुत टाइम वेस्ट कर लिया, घर पहुँच कर फोन करूंगा। अरे सिद्धार्थ सुनो तो, कैसा लड़का है ये? क्या है शैलू, ट्रेन का टाइम हो रहा है तो अब तक तैयार नहीं हुई? अगर वो यहाँ आया और मैं नहीं मिली कौन? तो वही सिद्धार्थ, मेरे जाने के बाद वो मुझे पागलों की तरह ढूंढेगा। शैलू तुझे प्यार तो नहीं हो गया? हाँ शायद, मुझे लगता है उसके प्यार में सिंसेरिटी है। और अगर ऑनेस्टली कहूँ तो स्टेशन पर जब उसने मुझे देखा उससे पहले ही मेरी नज़र उस पर पड़ चुकी थी। मैं भगवान से दुआ कर रही थी कि सिर्फ वही मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठे, और ऐसा ही हुआ। जिस तरह वो मुझे देखने की कोशिश कर रहा था मुझे अच्छा लगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मेरे लिए उसका इतना कंसर्न होना, उसने तो मुझसे मेरा दिल ही जीत लिया। जब उसने मुझे ट्रेन में प्रपोज किया मैं बहुत खुश हुई। डर था कि फिर उससे कभी नहीं मिल पाऊंगी, लेकिन फिर पार्क में मुलाकात हो गई, और फिर वो दिन जब हमारे केक्स एक्सचेंज हो गए। लेकिन पापा के बारे में सोचती हूँ तो सिद्धार्थ से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाती हूँ, डर सा लगा रहता है क्या मैं उससे फिर से मिल पाऊंगी। कमाल है, जब वो तेरे सामने था तो खुद ही उसे भगा रही थी, और अब जब नहीं है तो मिलने के लिए तरस रही है। अगर वो इतना ही पसंद था तो पहले ही बता देती, दी एंड हो गया तेरी लव स्टोरी का। व्हाट इज दिस मैन, तुमने मुझे विंडो सीट प्रॉमिस किया और अब सेंटर में बिठा रहे हो? मुझे विंडो सीट ही चाहिए, विंडो। बैठ जाइए माता जी, प्लीज बैठ जाइए। नो, मैं सिर्फ विंडो सीट पर ही बैठने वाली। मेरा हैंडसम, ओए हैंडसम, मेरा हीरो, कैसे हो तुम? आप कैसी हैं दादी? Oh, I'm very fine. That's nice. तुम यहाँ अकेले क्यों हो? वो कहाँ गई, वो लड़की? मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। इसका मतलब तुम्हारी फिर मुलाकात नहीं हुई? I don't believe it. वो सिर्फ वन साइडेड लव था, दूसरी पार्टी को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ था? ये बुक आपको कहाँ से मिली? किसी बुक स्टॉल से मिली। दादी माँ, इसी बुक पर तो उसका फोन नंबर लिखा हुआ है। सच में? फिर देरी किस लिए, जा फोन कर उसे। थैंक यू दादी। हेलो, ये शैलजा का नंबर है? हाँ, आप कौन? मैं सिद्धार्थ बात कर रहा हूँ शैलजा। सिद्धार्थ तुम? हाँ वही डेस्टिनी वाला सिद्धार्थ। सिद्धार्थ याद है ट्रेन में उस बुक में तुमने नंबर लिखा था? वो बुक मेरी डेस्टिनी में थी और मुझे मिल चुकी है। कहा था ना तुम्हारे गले में मेरा ही मंगलसूत्र होगा। हेलो, तुम सिद्धार्थ बोल रहे हो? आप कौन है? मैं शैलजा की फ्रेंड बोल रही हूँ। अरे पूछ की इस वक्त कहाँ पर हो तुम?
फूल सजाने में मेरी मदद करो ना। कर तो रही हो ना। लो वो दोनों भी आ गए। कितनी देर लगा दी आने में? लगता है यही। दीदी, जीजा जी। नमस्ते, नमस्ते। जितना इसने बताया और मैंने सोचा उससे कहीं ज्यादा सुंदर हो तुम। दीदी कहो ना। ये मत समझना कि मैं भाई की तारीफ कर रही हूँ। ये 26 साल का छोटा बच्चा है। हाँ, इतना छोटा है कि बोतल से दूध पीता है। मेरे जीजू थोड़े मजा किया है, सीरियसली मत लेना। वो साड़ी कहाँ है? कौन सी? जो कल शैलजा के लिए खरीदी थी। अच्छा वो कहाँ है? घर पर है। हे भगवान, पता नहीं कब बड़े होंगे ये। सिद्धू तुम घर जाके ले आओ। रहने दीजिए, इन फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं इसलिए इसकी जरूरत है। तुम्हें खाली हाथ कैसे भेजूं? सिद्धू जा जल्दी लेके आ। ठीक है, तू रहने दे। हाँ, अपनी स्पीड से जाएंगे तो रात से पहले नहीं पहुँचेंगे। ए आराम से जाना। हाँ ठीक है ठीक है। मेरी भूलने की आदत से सबको परेशानी हो जाती है। ये सिद्धार्थ को बहुत पसंद है। रोको ए, रुक जाओ। ए, गाड़ी रुको। शैलजा रुक जाओ। रुक जाओ। छोड़ो से। सिद्धू, शैलजा को उसके पापा ने ही किडनैप करवाया। तुम्हें हम सब की बातों पर विश्वास नहीं था। तुम्हारा दोस्त बता रहा है, अब यकीन हुआ? पापा, लेकिन मैं उसे... बस, लड़की अच्छी है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन उसके घर वाले शरीफ नहीं है। फिर भी अगर उसे रिश्ता रखना है वो तुम्हारी मर्जी। अब तक मैंने खुद को बुराइयों से दूर रखा, लेकिन अब शायद मुझे अपने बेटे से भी दूर रहना पड़ेगा। अब तुम्हें तय करना है, अपने माँ बाप चाहिए या फिर अपना प्यार। मुझे दोनों चाहिए। ऐसे ही झगड़ों की वजह से मैंने अपना बड़ा भाई खोया। मेरी आंखों के सामने उसने दम तोड़ा। अब तुम्हारा जीजा अपने जीवन के लिए लड़ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लड़की इस परिवार का हिस्सा नहीं बन सकती। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं। तुम्हें उस लड़की को भूलना होगा, भूलना होगा, भूलना होगा। 3 महीनों तक सिद्धार्थ ने शैलजा की तलाश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। और फिर एक दिन बस करिए बाबू। मैंने अपने बेटे को वचन दिया था कि मैं उस कमीने को मार डालूंगा, लेकिन मैं नहीं कर पाया, इसलिए खुद को सजा दे रहा हूँ। मारो मुझे। छोटे मालिक को मारने वाले के बाइक का नंबर मिल गया है, बहुत जल्दी एड्रेस भी मिल जाएगा। मुझे उस कमीने का एड्रेस नहीं चाहिए, लाश चाहिए उसकी। हेलो सिद्धार्थ।
सिद्धार्थ तुम ठीक तो हो? चल जा। हेलो हेलो, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हेलो, मुझे कुछ बताना है। हेलो हेलो हेलो, पापा मेरी जबरदस्ती शादी करा रहे हैं। हेलो हेलो, चल जा, सुनाई दे रहा है। सिद्धार्थ, हेलो। सिद्धार्थ, मुझे घर में कैद करके रखा है, मुझे बचा लो प्लीज। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। Ugh!